अंडे में नमक जहर करके डाल दिया है, माना चाहती है मुझे क्या? मैंने तो ठीक ही डाला था। तुम लोग छोटी उम्र की लड़कियों को देखने जाते क्यों हो? मेरी उम्र की लड़कियां खत्म हो गई क्या शहर में? हाय, तू क्यों इतना मरा जा रहा है शादी के लिए? मिल जाएगी लड़की तुझे। बासु जायदा आ रही है पाकिस्तान, उसके साथ हिसाब भी आ रहा है। ऐसी बातें कहाँ छुपती है, खुद ब खुद पता चल जाएगा उन्हें। पता नहीं मैं ऐसी क्यों हूँ अलिशबा, अंदर ही अंदर कुड़ती रहती हूँ। सच सच बता दे, किसके लिए कर रही है शहर इश्किया? है सब पता होगा तुझे, बता। आइंदा तुम लोग इस किस्म की खुराफात में पड़े ना तो घर में बिठा दूंगा मैं तुम्हें सारों को। अरे गजब खुदा का, गजबर की लौंडिया, और काम तो देखो। और तुझे तुझे कुछ अकल नहीं है, नजर नहीं आता तुझे कि क्या करती फिर तेरी लौंडिया पूरे शहर में? नजर नहीं आता, कब पता चलेगा तुझे? लेकिन मुझे तो उसने कुछ भी नहीं बताया था। अब बता भी देती तो क्या कर लेती तू? ना तेरी मां ने तुझे कुछ सिखाया, ना तू अपनी बेटियों को सिखाती है। क्या देख रही है ऐसे है? हजार दवा कहा है, ऐसे मत देखा कर मुझे। तू जुल्म करता होगा मैं तेरे ऊपर, मजलूमियत का इश्तिहार अपने चेहरे पे लगा के पूरे शहर में घूमती है तू। मैं तो चाय बना के लाती हूँ। मेरे ऊपर एहसान नहीं करेगी तू चाय बनाकर? चाय भी नहीं बनानी आती तुझे तो। बस एक बात सुन ले, समझा दे सबको कि मेरे घर में यह सब नहीं चलेगा। हाँ, और ये भी समझा देना कि सुधर जाए सारी, वरना असगर अली को ठीक करना आता है। अम्मी अब्बा हमारे लिए हमेशा तेरी बेटी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसलिए कि उनके नजदीक बेटी बहुत गैर अहम है। क्या उर्वा शायरी छोड़ देगी? कम अज कम यहां इस घर में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्यों अम्मी, उर्वा इतनी अच्छी शायरी करती है। आपको पता है राहत बाजी उसकी शायरी की बहुत तारीफ करती हैं। क्या उर्वा राहत के घर गई थी? उसे पता है ना कि उसके अब्बा राहत को कितना नापसंद करते हैं। बिलावजी नापसंद करते हैं, ये अच्छी तो है वो। लेकिन तुम्हारे अब्बा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। राहत अकेली रहती है, शायरी करती है और मर्दों से मेल जोल है उसका। और हमें अब्बा की कौन कौन सी बातें नापसंद है ये कौन बताएगा उन्हें? किसी के बाप में ये मजाल नहीं है कि मेरे सामने बात कर सके। क्या समझ आई तुझे? जानता हूं असगर भाई, बड़ी धाक है आपके घर वालों पर। औरतों को डरा कर रखना चाहिए, बिल्कुल डरा कर रखना चाहिए, अपने घर की औरतों को तो खास तौर पर। हैं? कुछ खबर अपने बेटे की भी रखा करो। क्यों, क्या हुआ मेरे बेटे को? कुछ नहीं असगर भाई, जरा आजकल का माहौल बहुत खराब है ना, तो इसलिए जरा बच्चों पे नजर रखनी चाहिए। मेरा बेटा इस माहौल का पला बड़ा नहीं है, क्या समझ आई तुम्हें? अलग से पला है मैंने उसको, मेरा इकलौता है वो, अलग से पला है वो। और जरा बातें नहीं सुनूंगा मैं तेरी, काम कर अपना। अब इस मोटरसाइकिल को बदल लो असगर भाई, बहुत पुराना हो गया है, एक मील दूर से तो आवाजें आती हैं इसकी। अबे अभी तो ली थी, खुद ही तेरी वजह से खराब हुई है, हाथ लगाए तेरा बेड़ा गर्क हो गया गाड़ी का। ठीक कर रहा हूं असगर भाई, नाराज क्यों होते हो? नाराज क्यों होते, तेरे से और क्या करे, जाहिलों से बात करते शर्म आती मुझे तो। हाँ जाहिल, अबे अपनी औलाद के सामने तो मैं किसी की नहीं सुनता, अकलौता बेटा है मेरा वो, सब कुछ है मेरे लिए वो, थप्पड़ मारूंगा आइंदा इसकी बात की तो। ठीक है सर। आओ रुवा, मैं तो बहुत दिनों से तुम्हारी राह देख रही थी, नया सीप मिला तुम्हें, उसमें तुम्हारी गजल छपी है। जी तुम अफसुर्दा हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। गुनाह के काम करने के बाद बंदा खुश रहता है? गुनाह के काम? मैं जिस घराने का हिस्सा हूँ
वहां जज्बों का इजहार करना गुनाह ही समझा जाता है। किसी ने कुछ कहा तुमसे? काश खाली कहने और सुनने से काम चल जाता, मैं खामोशी से सुन लेती, लेकिन मेरे हाथों से तो कलम ही छीन लिया गया। किसने किया ये सब? असगर भाई ने? वो ऐसा नहीं कर सकते, आखिर इसमें कबाहत ही क्या है? उनके नजदीक औरत का हर जाती अमल जिससे उसकी शख्सियत जाहिर हो नाकाबिले माफी है। उफ, वही मर्द की अजली फितरत। खैर तुम रो नहीं, मैं घर आके बात करूंगी उनसे। नहीं राहत बाजी, प्लीज ऐसा मत करिएगा। क्यों? किसी ना किसी को तो उन्हें समझाना पड़ेगा ना। वो नहीं समझेंगे। यानी तुम शायरी करना छोड़ दोगी? मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं है। आप नहीं जानती उन्हें, वो मुझे ऑलरेडी मना कर चुके हैं। अगर फिर से उन्होंने मेरा नाम देख लिया तो इसकी सजा मेरी माँ को भुगतनी पड़ेगी, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। प्लीज मुझे मेरी डायरी वापस कर दो। अपनी शायरी को जाया मत करना। बहुत से शायर और अदीब लिखते रहते हैं दुनिया से छुप के, और किसी दिन उनको दुनिया में सामने आने का मौका मिल जाता है। दुनिया के सामने आना इतना जरूरी नहीं, इंसान को खुद मुतमईन होना चाहिए। मुझे यकीन है कि तुम्हें अपने इजहार का मौका जरूर मिलेगा। सूरज की किरणों को फैलने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। कुछ भी अच्छा नहीं है। ये लो आराम, तुम्हारा सूट मुकम्मल हो गया। ये टालना ही था तो पहले बता देती। अपना सूट कैसे जी जान से बनाया तुमने, और मेरा ऐसा कि हल्की फुल्की सी बेल बूटियां बना दी और बस। लेकिन ये तो सबसे लेटेस्ट डिजाइन है, मुझे लगा कि तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मुझे क्या पता था कि तुम इस तरह से जान छुड़ाओगी। तुमसे कढ़ाई करवाती ना मैं तो खुद काट लेती। आपको पता है इस बिचारी ने दिन रात एक करके आपका काम मुकम्मल किया, और आप इसे ये सिला दे रही है। तुम्हें मेरे मामले के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोलूंगी, खुद तो किसी को एक कप चाय का भी ना बना के पिलाएं, और दूसरों से इतनी तवक्कोआत। मेरा इतना कीमती सूट था, मेरे इतने सारे पैसे जाया हो गए। मुझे नहीं चाहिए ये सूट, ये तुम रखो, और जो सूट तुम बना रही थी अपने लिए मुझे वो सूट चाहिए। पर वो तो मैंने अपनी पसंद का अपने लिए बनाया था। तो मैं क्या करूं? तुम्हारी वजह से मेरा सूट खराब हुआ है, अब तुम ही भुगतो ना। अनम क्या हो गया, क्यों चीख रही हो? बाहर तक तुम्हारी आवाज जा रही है। देखिए ना, मेरे सूट का क्या हशर किया आपकी चहेती ने। क्या हुआ, अच्छी भरी तो है? अपना सूट इसने इतना अच्छा बनाया, और मेरा ऐसा। कैसी बातें कर रही हो, इतनी मेहनत की है इसने। हाँ हाँ, आपको तो अच्छा लगेगा, ये आपकी चहेती है जो बनाया है। मेरा इतना महंगा सूट जाया कर दिया तुमने। नहीं बनाना था तो कह देती, मैंने कोई जबरदस्ती तो नहीं की। अनम तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें करते हुए। आप तो हमेशा उसकी साइड लेती हैं। अल्लाह करे तुम्हें अपना सूट पहनना नसीब ही ना हो, अल्लाह करे उसका रंग निकल जाए या इस तिलक के वो जल जाए। आप देखिएगा ऐसा ही होगा। अनम बकवास बंद करो। शर्म नहीं आती अपनी बहन के नसीबों को कोसते हुए, और उस बहन के जिसने अपना काम छोड़कर तुम्हारा काम मुकम्मल किया? हाँ, खुद तो तुमने कभी अपना कोई काम अपने हाथ से किया नहीं। बदनसीब तो तुम हो, शुक्र करो तुम्हें ऐसी बहनें मिली हैं। हाँ हाँ, मैं तो हूं ही बहुत बुरी ना, दुनिया की सारी खूबियां तो बस इन दोनों में है। तुमसे बड़ा नशुकरा कोई नहीं। अम्मी, तुम्हारा ये नशुकरापन पता नहीं क्या रंग लाएगा, मैं तो सोच सोच कर परेशान होती हूँ। अम्मी प्लीज, आगे कुछ मत कहेगा। अब तुम तो रहने दो अपनी ड्रामेबाजी, दिल में कुछ मुंह पे कुछ। मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़की से, जो अपनी सगी बहनों से इस तरह हसद करती है। ससुराल जाकर क्या करेगी? अच्छा बात सुन, हाजी साहब एक गौंडे का बता रहे हैं रिश्ते के लिए। अच्छा, कौन लोग हैं, कैसे हैं?
मुझे क्या पता, मिलूंगा तो बताऊंगा ना। कह रहे थे लड़का बड़ा मालदार है, थोक का कारोबार करे है वो। हाँ, पूरे पाकिस्तान में दुकान है उसकी, सप्लाई करे पूरे पाकिस्तान को। बस उम्र थोड़ी ज्यादा उसकी। पढ़ा लिखा कितना है? क्यों, तुम्हें डिग्री को चाटना है? नहीं, वो हमारी लड़कियां तो पढ़ रही है ना, अगर पढ़ा लिखा होगा तो। अरे लड़के की आमदन देखी जाती है, घर देखा जाता है उसका। जाहिल औरत, हजारों डिग्रियां हो मगर कमाता हो 2000 रुपया, क्या फायदा इसे लौटेगा? हाँ ये तो है। अच्छा बुला लेना उन लोगों को। बुला लेता हूँ, मगर अपनी अनम को बता देना, तमीज से मिले, ढंग से सामने आए, इज्जत रख ले मेरी वो। हाँ हाँ मैं समझा दूंगी। अबे ये खेलना आता नहीं, आ जाते हैं ये। क्या? नहीं अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी किसी उल्टे सीधे लोगों के सामने। उल्टे सीधे लोग क्यों होंगे, तुम्हारे अब्बा बता रहे थे कि अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं। अब्बा की पसंद? अब्बा ने अपने जैसे किसी शख्स को पसंद किया होगा। उन्होंने भी अभी लड़का नहीं देखा, कह रहे थे कि एक आध दिन में बुलाएंगे। लड़का भी आएगा अम्मी? कह तो यही रहे थे। बड़ी बात है भाई, अब्बा के ख्याल काफी मॉडर्न नहीं हो गए? 3 बेटियां बयानी है, नजरियात को तो एक तरफ रखना ही पड़ेगा उन्हें। 3 बेटियां जैसे 3 पहाड़। खामोश रहो अलिश्बा, तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है। ठीक बात तो कह रही हूँ मैं, लेकिन पता नहीं आखिर मेरा बोलना इतना खटकता क्यों है आप लोगों को। अच्छा खैर अम्मी, अब्बा से आप एक बात साफ साफ कह दीजिएगा कि मैं पहले लड़के को देखूंगी और फिर फैसला करूंगी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्यों अम्मी, जिंदगी मेरी है, शादी मैंने करनी है, तो फैसला भी मेरा होना चाहिए। अच्छा ना, पहले आने तो दो उन्हें, शुरू हो जाती है बस। बहुत घुटावा घर है तो वह मेरा तो दम घुट रहा है, सांस ही नहीं आ रहा बिल्कुल। खैर हमें तो महसूस नहीं होता, आप लोगों को शायद आदत हो गई है ना। घर का क्या है, दिल बड़ा होना चाहिए। अच्छा लड़की को तो बुलवाइए, देखो तो सही, हमारे बेटे को तो आपने देख ही लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मैं लेकर आती हूँ। घबरा गई है मेरा ख्याल है, शर्मा गई है मेरा मतलब है। चाय तो लीजिए आप। कोई शर्माई भाई नहीं थी मैं, बस उठ के आ गई। अब्बा की नजरें कमजोर हो गई हैं, जो अपनी उम्र के आदमी के साथ मेरी शादी करा रहे। दो कौड़ी की इज्जत नहीं छोड़ी तेरी बेटी ने, जलील करके रख दिया मुझे हाजी साहब के सामने। लेकिन हाजी साहब को भी तो ख्याल करना चाहिए था ना, ऐसा रिश्ता भेजने से पहले कि किसे भेज रहे हैं। हमारी बेटी तो सिर्फ 24 साल की है। अरे तो मैं कौन सा इसको उसके पल्ले बांध रहा था, मगर इससे उठ के आना नहीं चाहिए ना इसे। अच्छा माफ कर देना, गलती हो गई, बच्ची है।
बिगाड़ रखा है तूने इसे, मनमानी करती रहती है ये। अच्छा सुनिए, अब आप क्या जवाब देंगे उन्हें? वो तो पसंद कर गए अनम को। ये तुम लोगों का मसला नहीं है, समझ आई? कर लूंगा मैं जो करना होगा मुझे। अम्मी, अम्मी मैं मर जाऊंगी लेकिन उस आदमी के साथ शादी नहीं करूंगी। वैसे आपा बड़े शौकीन मिजाज लग रहे थे, बिल्कुल आपकी तरह। मैंने तो उनको गेट से निकलते हुए देखा था, उनके कुर्ते की कढ़ाई से शुआएं निकल रही थी। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। चुप करो तुम, नहीं करेंगे तुम्हारे अब्बा उससे तुम्हारी शादी। वो कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं है। अल्लाह करे जाहिदा आ जाए। अच्छा भला पढ़ा लिखा लड़का है उसका, किसी एक को तो पसंद करेंगी ना। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? क्या हम इतना बड़ा बोझ है आपके लिए? बेटियां भारी नहीं होती लेकिन अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। अब चाहे कोई भी उल्टे सीधे लोग आ गए, हम अपने घर ले जाएं। शुक्र है बिजली आई तो सही। क्यों भाई, क्या ख्याल है उन लोगों के बारे में? लड़की भी अच्छी थी। अच्छी है। मिजाज देखे थे उसके, ना बात करने का सलीका, ना कोई बैठने का ढंग। हाय अच्छी शक्ल होने का ये मतलब है कि कोई मिजाज ना मिले इंसान के? भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उस लड़की को आदिल भाई पसंद नहीं है। क्यों, उसने कहा था तुमसे? जो ही वो बैठी और उसकी नजर आप पे पड़ी ना, फौरन शक्ल उतर गई थी उसकी। ऐसी भी हूर परी नहीं है वो? हाय मेरे बच्चे में किस बात की कमी है? चांद का टुकड़ा है, शहजादा है बिल्कुल। अरे जो भी हो अम्मा, आदिल भाई से है बहुत छोटी। रहने दो, मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रही है। वैसे चक्कर कैसे चक्कर अम्मा? अरे बेटा मेरे मासूम बच्चे चांद, तू क्या जाने ऐसी बातों को। ये जो गालजों की लड़कियां होती हैं इन्होंने कोई ना कोई चक्कर जरूर चलाया होता है, और इसका भी कोई ना कोई चक्कर चल लिया होगा जरूर, इसीलिए उसका मुंह बना हुआ था। हो सकता है वैसे अम्मा, सही कह रही हैं। अरे आप लोग जवाब तो आने दें, हो सकता है वो लोग राजी हो जाए। क्यों आदिल भाई? इनके हंसने नहीं बंद होने वाले। तुम्हारे अब्बा और तारिक तुम्हारी फूफो को लेकर आते ही होंगे, और इस लड़की का कुछ पता नहीं। अल्लाह करे उनके आने से पहले आ जाए, वरना तुम्हारे अब्बा मुसीबत खड़ी कर देंगे। तो आपने जानी क्यों दिया अम्मी? हमें भी तो रोका हुआ है। वो किसी के रोकने पर रुकती है क्या? कहने लगी कि जरूरी पीरियड है, मिस नहीं कर सकती, उनके आने से पहले आ जाऊंगी। आ गई हूँ, सब मालूम है मुझे। उनको पता था ना कि आज किचन में काम ज्यादा है, इसलिए भाग गई वो। सदा की कामचोर। उर्वा देखो मंडिया, अम्मी सालन तैयार है। अच्छा मैं आती हूँ, ठीक है? चलो जल्दी करो रिश्पा। कर रही हूँ। मुझे पाकिस्तान आते हुए कितने दिन साल हो गए, लेकिन आप मैं हमेशा के लिए आ गई, अब नहीं जाऊंगी। अरे जाहिदा बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, कहाँ है बाकी लोग? भाई असगर तो दुकान पे उतर गया, तारीख को सामान उतार रहे। अच्छा चलो आओ ना अंदर। और हाँ सायदा बैठो। ये बाकी बच्चियाँ कहाँ? यूनिवर्सिटी गई है अनम, और उर्वा भी आती है। मैंने तो उसे बहुत मना किया था कि मत जाओ, आज छुट्टी कर लो, तुम्हारी फूफो आ रही हैं। कहने लगी कि कोई ज़रूरी टेस्ट है, मैं देकर खाने तक आ जाऊँगी। कोई बात नहीं, पढ़ाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फूफा मुँह हाथों की चेंज कर लें, तब तक अम्मी और मैं खाना लगा देते हैं। अभी चलती बेटा, अभी जाती हूँ। बाकी तो बताओ क्या हाल चाल है सब?
पापा को देखा तुमने, कितनी खुश मिजाजी का मुजाहरा कर रही थी पप्पू और आसाम भाई के सामने। तुम्हें क्या इतराज है, अच्छी भली तो चल रही है, चलने दो। हाँ हाँ, हम तो दुश्मन है भाई, सारी जिंदगी कभी हमसे तो ढंग से बात की नहीं, और पप्पू और आसाम भाई के सामने ऐसी बन रही है वो जैसे उनसे ज्यादा खुश मिजाज और अच्छा इंसान तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। अब इतनी भी बद अखलाक नहीं है वो, कितना वक्त लगेगा और कुछ बाकी है क्या? नहीं नहीं अम्मी, सब कुछ तैयार है, बस मैं और अलिशबा खाना लगाते हैं, आप बिल्कुल परेशान ना होए। देखो बेटा, कोई कसर ना रह जाए वरना तुम्हारे अब्बा बहुत खफा होंगे। वैसे भी उनको खफा होने के बहाने चाहिए होते हैं। जन्म कर्म में तो कोई हमारे यहाँ आया, वरना कोई रिश्तेदार झांकता है भला यहाँ? किसको शौक है यहाँ आकर अब्बा की तेवरियों के बल गिरने। अलिशबा, अब्बा ने सुन लिया तो क्या होगा? लाना करे भाई, क्यों डरा रही हो? ये लड़की नहीं सुधरेगी, जल्दी करो शाबाश। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। वैसे चाय बनाई तो उर्वा ने, लेकिन लाई मैं। ये उर्वा सुबह से काम पे लगी हुई है, कभी आराम भी करती है? वाह पप्पू, हमारा तो कोई जिक्र ही नहीं। वैसे ये बात तो सच है, उर्वा वाकई में बहुत काम करती है। काश कि मैं भी उर्वा जैसी बन जाऊं। नहीं भाई, हमारी छोटी बच्ची भी बहुत काम की है। देखा अम्मी, देखा आपने, इस पूरे घर में सिर्फ एक पप्पू ही जो मुझे पहचानती है। नहीं नहीं, मैं भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। थैंक यू साम भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बात सुन, समझा ले अलिशबा को, खामखा शोखिया दिखाने की जरूरत नहीं है उसे। भाई समझती है ना, इसलिए। भाई है लेकिन सगा तो नहीं है, खामखा फ्री होने की जरूरत नहीं है उसे। और तू कुछ समझाती नहीं है, हैं? किससे कैसे बात करनी है, किससे नहीं करनी? समझा दूंगी, अभी बच्ची है वो। सारे जमाने का पता है उसे, बच्ची है। और तू समझाती नहीं है ने? ज़ायदा पता नहीं क्या सोच रही होगी, कैसी शुत्रे बेमाहा लड़की है। ज़ायदा तो बहुत तारीफ कर रही थी हमारी तीनों बेटियों की। अभी एक दिन हुआ है उसे आए हुए, थोड़े दिन गुजरेंगे ना, सारे पोल खुल जाएंगे तेरी बेटियों के। ऐसा क्या किया है जो मेरी बेटियों के पोल खुलने पर शर्मिंदगी हो हमें? जबान चलाती है जन्नुमी औरत, हैं? अपने शौहर के हकूक नहीं मालूम थे? इस लहजे में बात करेगी ना, जहन्नुम में जाएगी सीधी। लाइट बंद कर, नींद आ रही मुझे। लाइट बंद कर दे जल्दी से, स्लो मोशन। और आपको बीवी के हुकूक कौन बताए? खैर तो है आप ही, बड़ा खुश नजर आ रही हैं आप। भाई मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि फुप्पो और हसाब इतने अच्छे लोग होंगे। ये तो है, ज़्यादा फुप्पो है ही इतनी अच्छी, कहीं से भी हमारे अब्बा की बहन नहीं लगती। पर हसाम भी कितना आउटस्टैंडिंग है। हसाम भाई भी बहुत अच्छे हैं। खैर तो है आप ही, आप बड़ा इंप्रेस लग रही हैं उनसे। खैर रहने दो, मुझसे ज्यादा तो वो इंप्रेस लग रहा था मुझसे। अच्छा
मैंने गौर नहीं किया। एक ही ढंग का फैसला किया है अब्बा ने। कैसा फैसला? अम्मी कह रही थी ना कि फुप्पो यहाँ रिश्ता करना चाहती हैं। तो जाहिर है फुप्पो अम्मी अब्बा से मेरी बात करेंगी। ऐसा जरूरी तो नहीं है आपी, फुप्पो उर्वा का रिश्ता भी तो मांग सकती हैं। मुझे बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम लोग के उस कजिन में। हाँ भाई, क्यों होगी दिलचस्पी जब उससे तुम्हें नहीं है? उपोटने वाली होंगी, मैं चाय बना के लाती हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये सुगड़ापा दिखा के तुम उनका दिल जीत लोगी? मैं दिल जीतने के लिए नहीं, मैं इस बानी के लिए जा रही हूँ जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आती है। चमची कहेंगी। सायदा जी, मैं पूछ रही थी कि नाश्ता क्या करोगी? बस्तावर, मैं तो सिर्फ चाय पीती हूँ। अच्छा, तो हसाम उठ गया क्या? हाँ, वॉशरूम में। अच्छा, मैं बनाती हूँ। सुनो, क्या हुआ है, रो रही हो? नहीं, कुछ नहीं। मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आ रहा है। इधर आओ मेरे पास बैठो और मुझे बताओ। अब बता मुझे क्या हुआ है। नहीं ज़्यादा, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई बात तो जरूर है, अब तुम मुझसे छिपाओगी? अज़हर से झगड़ा हुआ है? नहीं, वो बस तुम्हारा चेहरा साफ साफ बता रहा है कि कुछ हुआ है। नहीं, वो बस फुप्पो, बस रोज की कहानी है ये सब कुछ। आज फिर अंडे में नमक ज्यादा हो गया होगा उनके हिसाब से, तो उन्हें गुस्सा आ गया। ये असगर हमेशा से ना वसीला शॉर्ट टेंपर है। शुक्र करें पप्पू, क्या आज अब्बा ने नाश्ता उठाकर नहीं फेंका। क्या, नाश्ता उठा के फेंक देता है वो? आज तो अब्बा ने आप लोगों का लिहाज कर लिया कि कहीं उनके शोर से आपकी आंखें खुल जाए। क्या वो नाश्ता किए बगैर ही चला गया? आप फिक्र मत करें पप्पू, अब्बा बाहर नाश्ता कर लेंगे। फायदा, मैं नाश्ता बना। अरे अरे अरे, इधर क्यों गई यहां? मैं हूं कोई मामू जान थोड़ी है। ये बताएं, आप लोग मामू से इतना डरते क्यों हैं, इतने टेंस क्यों रहे? नहीं, बल्कि हमें तो अब आदत सी हो गई है। मामू जान हमेशा ऐसी नाराज रहते हैं। हर शख्स का अपना अपना मिजाज होता है और वो अपने मिजाज से मजबूर है। अब चलिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। क्यों, आपको मेरी कंपनी बुरी लग रही? हम आपकी ये बेतकल्लुफी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या हाल है? ठीक। मैं मारी जान से इतनी ऊंची छलांग लगाओगी तो मुंह के बल गिरोगी। मतलब क्या है तुम्हारा इस बात से? इतनी ना समझ नहीं हो कि मतलब ना समझ सको मेरी बात का?
क्या हुआ आपी? क्या कोई बात आपके मिजाजे गिरामी पे गिरा गुजर गई? तुमसे कितनी बार कहा है मेरे मुंह मत लगा करो। मैं कब आपके मुंह लग रही हूँ? मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। खूब समझती हूँ मैं तुम्हारी बातें। सुबह ही सुबह किसका मुंह देख लिया आपने जो इतना मूड ऑफ हुआ हुआ है आपका? मैंने तुमसे कहा ना। अच्छा सुगड़ापा दिखाने से फुर्सत मिले तो यूनिवर्सिटी का सोचे ना। खैर जितनी मर्जी खिदमतें कर लो, जीत तो हमेशा खूबसूरती की होगी। यहाँ कोई मुकाबला नहीं हो रहा, जो बात हार जीत की हो। और प्लीज मुझे इन सब चीजों से दूर ही रखना। किस मुकाबले की बात चल रही है भाई? तुमसे कहा ना अपने काम से काम रखो। ठीक है मत बताएं, उर्वा से पूछ लेंगे। वाह सुबह ही सुबह ऐसा क्या हो गया जो आप ही का मूड इतना ऑफ था? उसके मूड को खराब होने के लिए कोई मौका चाहिए होता है? हाँ वैसे आप ही के अंदर अब्बा के काफी जरासीम पाए जाते हैं। आज हसाम आए थे चाय लेने के लिए किचन में, और उसी टाइम पे अनम भी आई थी। शायद इसीलिए मूड खराब हुआ। खैर इसमें मूड खराब होने वाली क्या बात है? नहीं ऐसा तो नहीं क्या आप ही अभी से हसाम भाई को अपना मंगेतर समझने लग गए? चलो अगर अब्बा ने ऐसा कोई इरादा कर भी रखा है तो उसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप ही अभी से उनको अपनी जागीर समझने लगे। पता नहीं क्या सोचती रहती है। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, मेरी बस आ गई। ओके दाफिस। दाफिस, ध्यान से जाना। लो बेटा इसमें कुछ परफ्यूम है और ज्वेलरी है, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू पप्पू। और बेटा इसमें कपड़े हैं और पर्सेस हैं, ये अनम को और वह कहना कि अपनी अपनी पसंद से बांट ले। पसंद तो फिर अनम आप ही की होगी, और जो कुछ बचेगा वो उर्वा ले लेगी। अनम बेशक बड़ी है लेकिन उर्वा की भी तो कोई पसंद है। आप ही बस हर चीज पे सबसे पहला हक अपना ही समझती हैं। शायद सारी बड़ी बहनें ऐसी होती हैं। नहीं बेटा मैं भी तुम्हारे अब्बा की बड़ी बहन, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। हमेशा कोई अच्छी चीज हुई पहले भाई को दी फिर खुद, और वो जिद्दी भी बहुत था, जिस बात पे अड़ जाता था तो अड़ जाता। तो इसका मतलब है कि अनम आप ही चली गई अब्बा पर और उर्वा चली गई आप पर। अच्छा ये चीजें मैं खुद उन दोनों को दे दूंगी, झगड़ा खत्म। अच्छा पप्पू मम्मी के पास जाके उनकी हेल्प कराती हूँ वरना मुझे डांट पड़ेगी। जाओ शाबाश। उर्वा बेटा सलाद बना ले। जी। मैं तो सुबह से काम कर करके थक गई, और ये लड़की मजाल है जरा सा भी हाथ बटा दे। जब से बैठी हसाम के साथ बातें बनाए जा रही हैं, जो कि उनका पसंदीदा काम है। तुम्हारे अब्बा आ गए और उन्होंने देख लिया ना इस तरह बातें करते हुए, तो तबीयत साफ कर देंगे उसकी। उसकी तो आप बिल्कुल फिक्र मत करें अम्मी, क्योंकि अब्बा के आने से पहले उनकी मोटरसाइकिल की आवाज आएगी तो आप ही कुछ भी बहाना करके वहां से उठ जाएंगी। अरे जो बातें तुम्हारे अब्बा को पसंद नहीं है वो करने की जरूरत ही क्या है। छोड़िए अम्मी आप जाए यहाँ से, मैं और अलिशबा बाकी काम कर लेंगे। अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ तुम्हारी फुफ्फो क्या कर रही है, जरा हंडिया पर नजर डाल लेना। जी जी। जरा बड़ी बेटी पे भी नजर डाल लीजिएगा कि वो क्या कर रही है। तुम बकवास करना मत छोड़ना। क्या करूं आपकी बहन मोहतरबा मुझे मजबूर कर देती हैं। अरे सिगरेट का तो कोई मजा ही नहीं है जाज भाई। अब दूसरी सिगरेटों का मजा जो लग गया है तुझे तो कमाल ही चीज थी यार, घंटों सुरूर रहा था उसका। इसीलिए तो दी थी। तो फिर निकालना यार। पैसे लगते हैं इसके, मुफ्त में बड़े मजे कराते हैं तुझे।
पैसा ही तो नहीं है जाज भाई। अबे फिर लेके आना तू, कब तक अपनी जेब से पिलाता रहूंगा तुझे। अब्बा इतनी जेब खर्ची तो नहीं देते ना। तो मांगने की क्या जरूरत है, चुपचाप निकाल लिया कर। चोरी? अपने घर में कोई चोरी होती? हाँ लेकिन पूछे बगैर पैसे निकालना तो चोरी होती है ना। अरे कोई चोरी वोरी नहीं होती, अपने माँ बाप की कमाई पर सबसे ज्यादा हक बच्चों का ही होता है। माँ बाप खुशी खुशी दे दें तो ठीक है, वरना चुपचाप निकालना तो उनका हक बनता है। अच्छा भाई ले आऊंगा, लेकिन अभी के लिए तो सिगरेट पिला दो ना, बहुत दिल कर रहा है। आज तो दे रहा हूँ तुझे, लेकिन अगली बार पैसे लेके आना, सुन ले तू। ये क्या छुपा रही हैं? कुछ भी छुपाया हो? कुछ लिख रही थी ना? नहीं कुछ भी नहीं। ओ, तो आप मुझे बताना नहीं चाह रही है ना? क्या जरूरी है आपको बताना? नहीं कोई ऐसा भी जरूरी नहीं है, आपकी पर्सनल चीज है, कुछ भी कीजिए। ठीक समझे आप। I'm sorry. क्या बात है, क्यों रो रही हो? क्या अज़गर ने फिर कुछ कह दिया? ज़ाहिदा मैंने तो सिर्फ उनसे यही कहा था कि तारिक इतनी देर से आया, आप उससे पूछे तो सही आखिर वो कहाँ रहा इतनी देर, और इतनी अजीब सी उससे बू आ रही थी तो कहने लगे तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, वो कहीं से भी आए। मैं माँ हूं उसकी, उसे पूछना मेरा फर्ज है। चिल्लाने लगे कि तुम्हें बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुम तो खामखा में, तुम्हें आदत है ऐसे बोलने की। गलत है असगर, बच्चों को ऐसी शय नहीं देनी चाहिए ऐसे मौके पर, सिर्फ और बिगड़ जाते। यही तो मैंने कहा उनसे कि तारिक बिगड़ रहा है, तो कहने लगे कि हम भी तो दोस्तों में बैठते थे, हमारी माँ ने तो इस तरह कभी सख्ती नहीं की थी हम पर। माओ को तो फिक्र होती है, बापों को तो ये बात समझ में नहीं आती है। उल्टा मुझे डांटना शुरू कर देते, कहते अपनी बेटियों की फिक्र किया करो, बेटियां कहाँ जाती क्या करती तुम्हें कुछ खबर नहीं, खुद बताओ ज़ाहिदा मैं माँ हूँ मुझे पता नहीं होगा। चुप, चुप। क्या करूं इस असर का? आपने ज़ाहिदा से बात की? मेरा मतलब है अभी कुछ दिनों में वो लोग चले जाएंगे। अच्छा उससे भी मैं ही बात करूं? कम अकल औरत, दो कौड़ी की इज्जत ना छोड़ियो मेरी किसी के सामने। पता नहीं है अब्बा ऐसे क्यों है, बेटियां उनके नजदीक इतनी कमतर क्यों है? मैं तो नजरें मिला के बात तक भी नहीं कर सकती पप्पू से और हसाम भाई से भी। मुझे तो खैर पहले ही पता था, आज नहीं तो कल उन लोगों के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे अब्बा। भाभी मैं आपसे और असगर भाई से ही पूछने आई थी कि आप दोनों ने उर्वा को लिखने से क्यों मना कर दिया।